ये आसमां भी उतर आएगा जमीन पर। बस इरादों में जीत की हुंकार होनी चाहिए। अब मशीन से प्यार है, टू व्हील मोटर स्पोर्ट, बस इसी के लिए अभी है हम, जो भी है जैसे भी है चल रहे हैं धीरे धीरे। Had a fractured finger and there are a whole lot of tattoos all over my body. कपड़े निकाल नहीं सकता कैमरा सामने, लेकिन शर्ट निकालूंगा ना, कहाँ पे भी देखो there's a mark. Most probably मैं बोलूंगा these are battle scars from what you have fought and what you have earned. प्रैक्टिस के बाद क्रैश हो सकता है, लेकिन कोई गिव अप नहीं करना चाहता है। स्टंटर्स कभी गिव अप नहीं करते, हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं जब तक हमें ट्रिक समझ में ना आ जाए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इसकी असल वजह है बेकरारी, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ उनमें क्षमता होती है स्टंट करने के लिए। ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये सभी कर सकते हैं। अगर आपके पास मानसिकता है, हार्डवर्क है, जुनून है, ये आप भी कर सकते हैं। तो अभी यूरोप में देखो स्टंट राइडिंग हैज बिकम अ प्रॉपर स्पोर्ट, इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पोर्ट, उसके लिए लीगल प्रैक्टिस प्लेसेस है, एवरीथिंग इज रिकॉग्नाइज्ड नाउ। बस द डिफरेंस इन आवर कंट्रीज, यहाँ पे स्ट्रीट स्टंटिंग ज़्यादा होती है और शो ऑफ करते हैं लोग। इसके लिए वी आर ट्राइंग टू डू अवेयरनेस, आई एम ट्राइंग टू इन्वाइट किड्स टू माई प्रैक्टिस प्लेस उनको सिखाने के लिए। आई एम ट्राइंग टू टेल देम, आई ट्रेन देम एंड प्लीज डू नॉट डू इट ऑन द स्ट्रीट। सो होपफुली इंशाल्लाह देखते हैं, एवरीथिंग विल चेंज वन डे, एवरीथिंग हैज अ बिगिनिंग। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। मेरे लिए तो वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग है जब मैं वन व्हील पर रहता हूँ। देखा जाए तो बेसिकली या घर वालों से आधा अधूरा सपोर्ट है बट नॉट फुल्ली, और बाकी दोस्त मोटिवेट करते ही है, बोलते तो है अब तुम कर सकते हो, तुम में कुछ है। अब वो एक बात है, और एक अपना भी जो है पैशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल, प्यार बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। Everything is necessary in this sport. Discipline is the main thing. जैसे लोगों को लगता है we are just hooligans, we are not hooligans. We are proper athletes. We just need a bit of recognition that even the cricket is getting. मेरी एक ही चाहत है कि मैं अपने देश का झंडा वहां गाड़ू। देखा जाए तो वो जो खुशी मिलती है ना हेलमेट की वजह से दिखता नहीं लोगों को, बट जो है वो अंदर ही होता है, और जब होता है ना बढ़िया, एकदम बहुत ही मजा आता है, मतलब क्या बताऊं यार। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी चलते रहे। Thank you.